हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी 11 प्रो 5G फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी 11 प्रो 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोग डाटा को ऑन कर रहे हो अपने फ़ोन का और फिर भी जो नेट है वो नहीं चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा भी जो इंटरनेट है वो हमारे फ़ोन में नहीं चल रहा है। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर से अपने फ़ोन को जो है वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन वाईफाई के साथ कनेक्ट करने से भी आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है। तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस वाईफाई से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई के साथ जो इस फ़ोन को कनेक्ट कर ले, तो देख सकते हैं ये रहा मेरा वाईफाई। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरा जो वाईफाई का पासवर्ड है उसको यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो नेट है वो नहीं चल रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है इस फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट करना होगा। तो फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे गाइस, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम लास्ट में एक ऑप्शन होगा बैकअप एंड रीसेट का, तो इस बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट फ़ोन का ऑप्शन आएगा, तो इस रीसेट फ़ोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गाइस इरेज ऑल डाटा का, तो इस इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इरेज डाटा का ऑप्शन आएगा, इरेज डाटा पे क्लिक कर देंगे। वापस से और एक बार इरेज डाटा का ऑप्शन आया है तो हम वापस से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही गाइस आपका जो फ़ोन है वो ऑफ हो जाएगा और ऑफ होने के बाद ये फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है गाइस अपने फ़ोन का ऑन होने तक का। और ऑन होने के बाद गाइस इस फ़ोन को आप लोगों को जो है सेट भी करना होगा। अगर आप लोगों को इस फ़ोन को सेटअप करना नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सेटअप करना भी दिखा दूंगा। तो सेटअप करने के बाद हमारा जो ये प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस अपने फ़ोन का ऑन होने तक का। ऑन होने के बाद मैं आप लोगों को इस फ़ोन को सेटअप करना भी सिखा दूंगा और यहाँ पर आपको दिखा दूंगा गाइस कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं गाइस मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। तो अभी आप लोगों को इस फ़ोन को जो है सेटअप करना होगा। सेटअप करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक हेलो का ऑप्शन आया है और नीचे देख सकते हैं ब्लू कलर का एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इस लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, तो आप लोगों को लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं काउंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर से आप लोग अपने काउंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे, तो सभी को आप लोगों को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन आया है, लेकिन हम वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे गाइस। ऊपर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन है, हम इस स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर गेटिंग योर फोन रेडी लिखा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है गाइस। यहाँ पर कुछ लोडिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो हमने जो है फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है गाइस। वहाँ पर से जब वाईफाई का ऑप्शन आएगा वाईफाई से साथ जो है आप लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। और ईमेल डालने का ऑप्शन आएगा, अगर आप लोगों को ईमेल याद है तो ईमेल डाल दीजिए, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन होगा, स्किप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से स्किप का ऑप्शन आएगा, तो फिर से स्किप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मोर का ऑप्शन आया है, मोर पे क्लिक करेंगे। और एक बार मोर पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अनलॉक मेथड का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आप लोग फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड को लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर से कुछ भी लॉक नहीं लगाएंगे। ऊपर जो है स्किप का ऑप्शन है, हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन आए हैं गाइस, तो हम जो है यहाँ पर से किसी को भी डाउनलोड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गेटिंग योर फोन रेडी का ऑप्शन आए हैं,
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन टू रियल मी अकाउंट, ठीक है गाइस। साइन इन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेविगेशन बटन आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेटिंग्स आएंगे गाइस। आप लोग अगर यहाँ पर से इन सबको यूज़ करना चाहते हो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। करने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं रियल मी UI और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोन है वो देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है, फैक्ट्री रीसेट भी कर लिया। अभी देखते हैं गाइस हमारा जो इंटरनेट है वो हमारे फ़ोन में चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट को चला के दिखा लेते हैं एक बार। यूट्यूब को हम चलाते हैं गाइस, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं हमारा जो यूट्यूब है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूट्यूब जो है वो रन हो गया, ठीक है गाइस। मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर फिर से आ गया है। तो ये तो हो गया वाईफाई की बात। आगे हम जो है यहाँ पर अगर डाटा को ऑन करेंगे यहाँ पर से, तो डाटा में देखते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाटा को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर हम यूट्यूब को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी 11 प्रो 5G फ़ोन पर इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।